स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंपायर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। हम लोग 18 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 14 प्लस 3x माइनस 6 है। देखिए सजा हुआ अरे नहीं है, तो डिग्री के अनुसार क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज जब करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस सॉरी प्लस 3x ना प्लस 3x और प्लस 40। तो मेथड क्या है कि लास्ट इंटू फर्स्ट का कॉफिशियंट, इसका कॉफिशियंट क्या है माइनस वन, यानी आपको गुना करना है 40 में माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा माइनस 40। यानी गुना करने में माइनस 40 आना है, जोड़ने करने में 3 लाना है। तो हमें पता चल गया कि 8 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 8 में माइनस 5 से गुना कर दीजिए तो माइनस 40 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 8x माइनस 5x प्लस 40। तो दोनों में कॉमन क्या, एक्स को माइनस तो कॉमन है नहीं दोनों में, तो एक्स को कॉमन लेंगे तो बच गया क्या एक्स, माइनस एक्स बचा ना, ये माइनस दोनों में कॉमन नहीं था तो माइनस अंदर रहने दिया, प्लस 8x में से एक्स बाहर निकल गया तो 8 बचा। तो यहाँ पर लिखिए माइनस एक्स प्लस 8। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस बाहर है, 5x में से एक्स अंदर है तो 5 हो गया। अब कौन सा लें, प्लस लेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ये एक माइनस एक्स प्लस एट दोनों कॉमन है तो माइनस एक्स प्लस एट बचा क्या एक्स प्लस फाइव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये वाला एट माइनस एक्स, देखिए एट प्लस में, देखिए प्लस में कि नहीं, एक्स माइनस में, अब बचा क्या एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हुआ 19 नंबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग 20 नंबर क्या बोल रहा, प्रक्रिया का फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू फर्स्ट का कॉफिशियंट। तो 133 से 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 133। इसका फैक्टराइज कीजिए, किससे लेगा ये, 2 से नहीं लेगा, 3 से भी नहीं लेगा, तो 11 से भी नहीं लेगा, किससे लग जाएगा ये, तो 19 से लेगा, 19 से लगता है। देखिए तो 19 से 7 बार में 963 का 3 अस्तर हम 7 छेद, देखिए 163, यानी ये डायरेक्ट 7 से लेगा आपका 19 बार में। ठीक है, तो यही दोनों सिर्फ नंबर जो इसको कट करता है 7 और 19। देखिए तो 19 में 7 से गुणा 133 आ गए, और 19 से 7 जुड़ी तो 26 आ रहा, नहीं है 19 से 7 जुड़ गए 26। अब देखिए यहाँ पे 19 पता चल गया, 7 पता चला, और 26 कैसे आ रहा भाई दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए तो 26 क्या है माइनस में, तो दोनों माइनस में लेंगे तब ना माइनस 26 आएगा। तो यहाँ पे कीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x और प्लस 133। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, एक्स कॉमन है तो बच गया एक्स माइनस 19। यहाँ भी क्या बच गया एक्स माइनस 19, 7x में एक्स अंदर है तो बाहर 7, और यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो एक्स माइनस 19 दोनों में कॉमन है तो आपका हो गया एक्स माइनस 19, बचा क्या एक्स माइनस 7। ये आपका कंप्लीट हुआ 20 नंबर। ठीक, फिर देखिए 21 नंबर, इसमें क्या देखिए, तो गुना करने पर क्या लाना माइनस 24, और जोड़ने फिराने पर 2√3 लाएंगे। तो क्या करें हम, तो हम ये करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 2√3x माइनस 24। देखिए चार में से 2 गया, 2 आ गया, अब 4√3 में 2√3 से गुना कर लीजिए, वही माइनस में ना माइनस 4√3 में 2√3 से गुना कर लीजिए, 4 × 2 = 8 और √3 में √3 से 3, और माइनस से ज़्यादा माइनस यानी गुना करने पर माइनस 24। अब आपको गुना करने पर यहाँ भी क्या आ रहा है माइनस 24 आ रहा है, क्योंकि यहाँ कॉफिशियंट क्या है माइनस 24 कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर इसका एक सेकंड कॉफिशियंट 1, तो गुना करने पर माइनस 24 आ रहा, देखिए माइनस 24 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपका ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में कॉमन क्या, एक्स कॉमन है, यहाँ एक्स लिखे हैं, ठीक है एक्स लिखे हैं, और एक्स माइनस 4√3 बच गया, तो यहाँ भी आपका बनेगा एक्स माइनस 4√3, और 2√3x में से एक्स अंदर है तो बाहर कौन रहेगा भाई 2√3। ठीक है, अब बाहर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, तो आपका ये हो गया एक्स माइनस 4√3 दोनों कॉमन है तो आपका एक्स माइनस 4√3 बचा क्या एक्स प्लस 2√3। तो आपका 21 नंबर तक कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।